हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो पावर टिलर होता है उसकी अगर रस्सी आपकी पावर टिलर की नई रस्सी या बार बार आप नया रस्सी लगा रहे हैं और वो तुरंत रस्सी कट जा रही है तो उसमें क्या समस्या है, इस समस्या को कैसे ठीक किया जाए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है कि पावर टिलर है और इसको स्टार्टिंग करने के लिए रस्सी की व्यवस्था दी गई है और रस्सी को जब हम झटका से खींचते हैं तो यहाँ हमारा पावर टिलर स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ हमारी रस्सी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कट चुकी है। मैं आपको पास से दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ हमारा रस्सी जो है कि कुछ इस प्रकार से ये कट चुका है। अगर आपका भी रस्सी ये इस तरीके से कट रहा है, ऐसी समस्या आ रही है तो इसको कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ क्या होता है कि ऐसी समस्या कब आती है मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसी समस्या दो स्थिति में आती है। अगर आपकी रस्सी काफ़ी पुरानी हो चुकी है तब ऐसी समस्या आती है। जब आपकी रस्सी काफ़ी पुरानी हो जाती है तो इस तरीके से घिसते 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 वो टूट जाती है। लेकिन अगर आपकी रस्सी नई है और नई रस्सी लगाते हैं आप, दो चार बार या पांच बार ही इससे रस्सी से खींच कर स्टार्ट करते हैं और आपकी रस्सी नई की नई रस्सी अगर इस तरीके से कट रही है तो इसमें क्या समस्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ क्या होता है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। यहाँ क्या होता है कि यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ लोहे का एक वासर लगा होता है, छल्ला लगा होता है, नब लगा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ से हम रस्सी को बार बार खींचते हैं यहाँ अंदर की ओर से, तो इसमें क्या होता है कि इसमें घाट कट जाता है और अंदर का घाट इतना ज़्यादा नुकीला होता है कि हम जब इस पर से रस्सी खींचते हैं, रस्सी का घर्षण होता है तो हमारी रस्सी कुछ इस प्रकार से, ये जो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से हमारी रस्सी एकदम बिल्कुल उकल जाती है, निकल जाती है या कट जाती है या ऊपर का रेशा एकदम बिल्कुल ख़राब कर देता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ख़राब हो सकता है आपकी रस्सी। अगर आपको ऐसा समस्या आ रहा है तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसमें क्या है कि ये स्टार्टिंग पुलर जो ये सिस्टम दिया गया है इसको खोलने के लिए यहाँ 8 mm यानी 8 नंबर का रिंच लगेगा। तो यहाँ इसमें 3 बोल्ट दिया गया है, 1 और यहाँ 2 और 1 यहाँ नीचे 3। ये तीनों बोल्ट को आप खोल के ये पूरा पुलर स्टार्टिंग पुलर खोल सकते हैं। और स्टार्टिंग पुलर को खोलने के बाद यहाँ क्या कराना होगा कि यहाँ आपको गैस वेल्डर के पास ले जाना है और गैस वेल्डर से ये रस्सी के अंदर की ओर यानी अंदर की ओर से आपको हल्का सा गैस वेल्डिंग कराना पड़ेगा। और गैस वेल्डिंग आप कराएंगे तो वहाँ वो हल्का सा गैस वेल्डिंग कर देगा तो जो अंदर की बारीकियाँ हैं, जो अंदर का नुकीलापन है वो बिल्कुल चिकना हो जाएगा और आपकी रस्सी लंबे टाइम तक चलने लगेगी। तो रस्सी में ऐसी समस्या दो तरीके से आ सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुराने होने पर हो सकती है। तो पुराने होने की समस्या तो वैसे भी ठीक ठीक है क्योंकि कोई भी सामान पुराना होगा तो वो घिसेगा। लेकिन अगर आपकी नई की नई रस्सी कट रही है, नया रस्सी अगर आप लगा रहे हैं और स्टार्टिंग करते वक्त 10-5 बार आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी नई रस्सी ख़राब हो जा रही है, तो इस तरीके से आप जो है कि इसको इसके पुलर को खोल के वहाँ गैस वेल्डिंग अंदर से करा के ठीक करा सकते हैं। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्विनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।